हेलो दोस्तों, बीकेजे लीगल में आपका स्वागत है। आज नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। इन दिनों इस कानून का देश में अधिक चर्चा है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या एवं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी में नारकोटिक्स ड्रग्स एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ के इस्तेमाल की बात सामने आई है। इस कानून के बारे में देश के लोग जानने को इच्छुक हैं। इसके अंतर्गत चर्चा करेंगे कि NDPS एक्ट क्या है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्या है, NCB कैसे कार्य करता है, NCB क्या कार्य करता है, NDPS एक्ट के तहत सजा का क्या प्रावधान है। NDPS एक्ट क्या है? NDPS एक्ट के अनुसार किसी भी नशीले पदार्थ का उत्पादन, निर्माण, खेती, बिक्री, परिवहन एवं उपयोग गैरकानूनी माना गया है। नारकोटिक्स के तहत चरस, गांजा, अफीम, कोकीन जैसे पदार्थ आते हैं जो नींद अथवा मोर्चा उत्पन्न कर शरीर में होने वाले दर्द से राहत दिलाते हैं। साइकोट्रॉपिक के तहत LSD, MD, MA एवं अल्फाजोलम आदि आते हैं जो रसायन को मिलाकर बनाए जाते हैं। यह दिमाग पर सीधा असर डालते हैं। इस कानून का निर्माण 1985 में किया गया, जिससे समय समय पर संशोधन भी हुआ। कुछ ड्रग्स एवं पदार्थ ऐसे हैं जिसका उत्पादन एवं व्यापार आवश्यक है, लेकिन नियम के द्वारा उसकी सीमा या प्रक्रिया निर्धारित है। NCB क्या है? यह ड्रग तस्करी को रोकने एवं अवैध पदार्थ के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक नोडल ड्रग कानून प्रवर्तन एवं खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1986 में NDPS एक्ट के धारा 43 के अनुसार किया गया है। इसका महानिदेशक भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है। इसका मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है, जो गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसे सूचना के अधिकार से बाहर रखा गया है। NCB कैसे कार्य करते हैं? NCB के क्षेत्रीय कार्यालय या यूनिट मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, इंदौर, जोधपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, बंगलुरु, अहमदाबाद, जम्मू एवं पटना में स्थित है। इसका प्रमुख जोनल डायरेक्टर होता है, जो महानिदेशक के निर्देशन में कार्य करते हैं। अन्य विभागों से भी अधिकारी को ब्यूरो में लाया जाता है। NDPS एक्ट की धारा 42 के अंतर्गत जांच अधिकारी बिना वारंट के या अधिकार पत्र के तलाशी लेने, मादक पदार्थ जब्त करने और गिरफ्तार करने का अधिकार है। इस एक्ट के अंतर्गत होने वाले सभी अपराध नॉन बेलेबल होते हैं। NCB क्या कार्य करती है? NCB का मुख्य कार्य अवैध मादक तस्करी को रोकना, INCB, UNDCP एवं इंटरपोल जैसी एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित करना, राज्यों के ड्रग्स कानून प्रवर्तन के प्रयासों में सहयोग करना, खुफिया एजेंसी के रूप में कार्य करना, देश में उन स्थानों की पहचान करना जहां से नारकोटिक्स ड्रग्स
एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ को देश से बाहर भेजने या लाने का काम होता है। इसके अतिरिक्त दोषी व्यक्तियों को न्यायालय से सजा दिलवाना, NDPS में वर्णित कानूनों का देश के अंदर लागू करवाना आदि कार्य हैं। NDPS की धारा 71 के अनुसार नशीली दवाओं के सेवन करने वालों की पहचान, इलाज एवं पुनर्वास केंद्र की स्थापना भी सरकार करती है। NDPS एक्ट में सजा का क्या प्रावधान है? NDPS एक्ट में सजा का प्रावधान का उल्लेख धारा 15 से लेकर 31 ए तक है। इसके अंतर्गत न्यूनतम सजा 6 महीने से लेकर अधिकतम 30 साल तक है। धारा 31 ए के तहत मृत्यु दंड का भी प्रावधान है। आर्थिक जुर्माना 10,000 से लेकर 2,00,000 तक है। व्यापारिक मात्रा पाए जाने की स्थिति में सजा 10 साल से 20 साल तक एवं जुर्माना 1,00,000 से 2,00,000 तक हो सकता है। छोटी मात्रा की स्थिति में सजा 6 महीने से लेकर 1 साल तक होती है एवं आर्थिक जुर्माना 10,000 तक हो सकता है। चरस के लिए छोटी मात्रा 100 ग्राम एवं व्यापारिक मात्रा 1 किलोग्राम निर्धारित है। कोकीन के लिए छोटी मात्रा 2 ग्राम और व्यापारिक मात्रा 100 ग्राम है। गांजा के लिए छोटी मात्रा 1 किलोग्राम और व्यापारिक मात्रा 20 किलोग्राम है। हीरोइन के लिए छोटी मात्रा 5 ग्राम एवं व्यापारिक मात्रा 250 ग्राम है। MDMA के लिए छोटी मात्रा 0.5 ग्राम और व्यापारिक मात्रा 10 ग्राम है। पॉपी स्ट्रॉ के लिए छोटी मात्रा 1 kg एवं व्यापारिक मात्रा 50 किलोग्राम निर्धारित है। अफीम के लिए छोटी मात्रा 25 ग्राम एवं व्यापारिक मात्रा 2.5 किलोग्राम है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से पदार्थ हैं जिसकी छोटी मात्रा एवं व्यापारिक मात्रा कानून के द्वारा निर्धारित है। भारत के लोगों में नशे का सेवन बढ़ रहा है। नार्कोटिक्स दवाएं एवं साइकोट्रॉपिक पदार्थ के इस्तेमाल से होने वाले शारीरिक हानि का प्रचार एवं प्रसार होना चाहिए। NCP की संरचना को आधुनिक कर योग्य अफसरों की नियुक्ति कर एवं समय समय पर प्रशिक्षण की व्यवस्था कर NCP को अधिक कार्य सक्षम बनाया जा सकता है। जनता का सहयोग भी NCP के लिए आवश्यक है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।